चार समातों के बावजूद हमारी कारकर्दगी ये है कि एक केस ख़त्म नहीं हुआ, कई केसेज इल्तिबा का शिकार हो रहे हैं। साथ ही जजिस से दरख्वास्त है कि अपने सवालात को रोक कर रखें, जब ये कानून आगे चलेगा तो फिर मुस्तकबिल के मामलात सुलझेंगे। चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समात में रिमार्क्स। दौरान समात बार बार सवाल पूछने पर जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया, मैं भी इस अदालत का एक जज हूँ, सवाल पूछना एक जज का हक है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे बार बार टोका जा रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर, वकील को कौन टोक रहा है? आप अपने सवाल ज़रूर पूछें लेकिन दलाइल मुकम्मल होने के बाद। चीफ जस्टिस की हिदायत, केस की समाअत कल तक मुलतवी। इक्कीस अक्टूबर से मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। आवाम घरों से निकलें, मुआशी तरक्की के मामार का इस्तकबाल करें, महंगाई में कमी, तालीम और मुफ्त इलाज के लिए नवाज शरीफ का साथ दें। पूरे पाकिस्तान में दानिश स्कूल बनेंगे और नौजवान को रोजगार मिलेगा। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का आवाम के नाम पैगाम। आवाम के दिलों में नवाज शरीफ की मोहब्बत की तख्ती लगी है। चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, जब सब कहते हैं कि पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, नवाज शरीफ ठीक करके दिखाता है। कायद नून लीग महंगाई से निजात की जमानत है, वो कौम को मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए आ रहे हैं। मरियम नवाज की यूनियन काउंसिल जोहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात में गुफ्तगू। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत कोयटा में एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। अस्करी और सिविल क्यादत शिरकत करेगी। बलोचिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान के निफाज की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास से कबल अनवारुल हक काकड़ से निगरान वजीर आला बलोचिस्तान सरदार अली मर्दान खान डोमकी की मुलाकात, सूबे में अमनोमान की सूरत हाल से आगाह किया। फलस्तीन और इसराइल में जंग, हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1100 तक जा पहुंची, 2741 जख्मी। हमास के हमलों में 11 अमरीकी भी मारे गए, अमरीकी महकमा खारजा की तस्दीक। हमास के इसराइली इलाकों पर लगातार हमले जारी, टैंकों और तैयारों को निशाना बनाने लगे। हमास के अलकसाम ब्रिगेड ने जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। निहत्ते फलस्तीनियों पर बर्बरियत, इसराइल जंग के उसूल भूल गया। सहूनी अफवाज, बुजुर्ग खवातीन जख्मियों और हॉस्पिटल्स को निशाना बनाने लगी। 100 शहरी मकामात पर वहशियाना बमबारी, 704 फलस्तीनी शहीद, 4000 से ज्यादा जख्मी। शोहदा में 143 बच्चे और 105 खवातीन भी शामिल। इसराइली तैयारों का जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाने वाली 4 एम्बुलेंसेज पर भी हमला। इसराइली बहरिया की भी गजा के साहिल पर बमबारी, गजा में पनाह गुजीन कैंप पर भी फजाई हमला, दर्जनों फलस्तीनी शहीद। गजा के हॉस्पिटल्स में अद्वियात और दिगर तिबी सहूलियात का शदीद फुकदान। नौ मई को जलाओ घेराव की हिदायत चेयरमैन पीटीआई ने दी। उन्होंने कहा, हमारी सारी लड़ाई फौज से है। 10 मई को हमने लोगों को इश्तियाल दिलाया ताकि वो तोड़फोड़ और जलाओ घेराव करें। चेयरमैन पीटीआई फौजी क्यादत को पैगाम देना चाहते थे, गिरफ्तारी पर जीएचक्यू और फौजियों की रिहायशगाहों पर हमले होंगे, सदाकत अब्बासी का बयान। और नारान से बाबूसर टॉप तक बर्फबारी, पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली, निजारे सफेद, वादी नीला में भी वक्फे वक्फे से बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई।